आज हम बनाएंगे लहसुन की अचार आज से पहले आपने ये लहसुन की अचार की रेसिपी देखा नहीं होगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत ही कमाल का रेसिपी होने वाला है तो चलिए बिना समय को गवाते हुए इसे बनाना हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमने गैस पे रखा एक कढ़ाई अब इसमें हम डालेंगे 300 ग्राम जितना लहसुन लहसन को पहले हम अच्छे से चेक कर लेंगे इसमें एक भी लहसन जो है ख़राब नहीं होनी चाहिए अब इसमें हम डालेंगे दो से तीन गिलास के करीब पानी पानी डालने के बाद हम गैस को कर देंगे ऑन और लहसन को चार से पाँच मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे हम पका लेंगे यानी कि उबाल लेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते चार से पाँच मिनट बाद हमने गैस को बंद कर दिया है अब ये हमारा लहसुन जो है काफ़ी अच्छे से पक चुका है अब इसके छिलके आराम से निकल जाएंगे जैसा कि मैंने एक निकाल के दिखाया तो इसी तरीके सारे लहसन की छिलके को हमें निकाल लेनी है इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं अब इसे हम साइड में रखेंगे यहाँ पे मैंने लिया है एक कच्चा आम ये काफ़ी बड़े साइज़ का आम है तो इसमें से हम पूरा आम को नहीं डालेंगे आधा से भी आधा आम को हम काट करके ले लेंगे इसके छिलके हटा के अब यहाँ पे हमने लिया है चॉपर अब इसमें हम कच्चे आम को अच्छे से चॉप कर लेंगे अगर आपके पास आम नहीं है तो आम की जगह आप आमचूर पाउडर या नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं आम यहाँ पे हम खट्टेपन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे पास आम था तो हमने आम का इस्तेमाल किया है आप इसके जगह पे नींबू या आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो चॉपर में काफ़ी अच्छे से चॉप हो चुका है आम ऐसा ही हमें बिल्कुल चाहिए था अब इसे हम साइड रखेंगे तो अब हम चलेंगे गैस की ओर तो गैस पे हमने एक कढ़ाई रखा है अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल तीन सौ ग्राम के करीब हमने लहसुन का इस्तेमाल किया है तो हमें तेल भी उतना ही लग जाएगी तो अभी हमने इसमें एक कप तेल डाला है तेल गर्म होने के बाद एक चम्मच डालेंगे काले वाले सरसों और इसे हम चटकने देंगे इसका हम एक तड़का लगा रहे हैं तो सरसों जो है चटक चुकी है अब इसे हम साइड में रख देते हैं तेल ठंडा होने के लिए अब इधर हमने लिया है एक फ़्राई पैन इसमें डालेंगे एक बड़ी चम्मच काले सरसों एक बड़ी चम्मच सौंफ एक चम्मच डालेंगे साबुत जीरा एक चम्मच डालेंगे साबुत धनिया आधा चम्मच डालेंगे मेथी आधा चम्मच डालेंगे अजवाइन मेथी का इस्तेमाल यहाँ हम कम ही करेंगे वरना इसमें एक कड़वापन आ जाएगा अब इन सारे मसाले को हमें पंद्रह सेकेंड तक मीडियम हाई फ्लेम पर रोस्ट कर लेनी है यानी कि मसाले से हल्का खुशबू आने लगेगी तब तक इसे हमें पकाना है तो ये मसाले का कलर चेंज हो चुका है मसाला अच्छे से पक चुका है अब इसे हम साइड में रखते हैं अब जो तेल को हमने तड़का लगा के रखा था वो तेल ठंडा हो चुका है उसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर सारे ग्रेट किए हुए आम को हम डाल देंगे अब इसमें डालेंगे भुने मसाले का पाउडर मसाले से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है तो सारे भुने हुए मसाले को हम डाल देंगे और इसे हम मिला लेंगे बहुत ही कमाल का अचार बन रहा है दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखिएगा अब इसमें हम डालेंगे सारे लहसुन को जिसे हमने छिलके हटा करके रखे थे सारे लहसुन को इसमें हम डाल लेंगे इसमें अभी तेल और जाएगा जैसा कि मैंने कहा तीन सौ ग्राम के करीब हमने लहसुन का इस्तेमाल किया है तो उतना ही हमें तेल डालनी है तो इसे हम हल्के हल्के हाथों से मिला लेंगे तो देख सकते हैं ये सूखा हो चुका है तो इसमें हम तेल और डालेंगे पहले इसे हम अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेते हैं ये लहसुन के अचार अगर आप एक बार बना लेते हैं तो पूरे साल आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं बहुत ही कमाल की लगती है ये खाने में तो मसाले को हमने अच्छे से मिला लिया है देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो इसमें हम आधा कप तेल और ऐड करेंगे और इसे मिला लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो तेल हम और डालेंगे अभी हमने टोटल एक कप तेल का इस्तेमाल किया है तो ये मुझे अभी भी सूखी लग रही है इसमें तेल और जाएगा तो अगर आप एक बार इस तरीके से लहसुन का अचार बना के रख लेते हैं स्टोर करके तो ये पूरे साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं जब कभी भी आपको सब्जी खाने का मन ना हो तो आप इसे रोटियों के साथ खा सकते हैं बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है इसका इसमें मैंने जो खट्टे के लिए आम डाला है और फिर मसाले जो डाले हैं उससे बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा खुशबू भी बहुत कमाल की आ रही है देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा ये मसालेदार लहसन का अचार दो की जगह आप चार रोटियाँ खा जाएंगे अगर इसके साथ खाते हैं तो बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है तो एक बार बनाना तो बनता है अगर आप इसे मार्केट में लेने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगी तो आप इसे घर में काफ़ी अच्छी तरीके से बना कर तैयार कर सकते हैं जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया है तो आप भी इसे बना सकते हैं जैसा आप वीडियो में देख रही हैं उस तरीके से तो देख सकती हैं ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में मसालेदार लहसुन की अचार तो इसमें टोटल हमने तीन कप तेल का इस्तेमाल किया है वजन में बता दें तो जितना लहसुन था उतना ही हमने तेल का इस्तेमाल किया है यानी कि तीन सौ ग्राम के करीब तो फाइनली ये हमारा मसालेदार लहसुन के अचार बन के तैयार हो चुकी है बहुत ही सुंदर बहुत ही स्वादिष्ट यह हमारा खट्टा मसालेदार लहसुन के अचार बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है इसके मैं आपको एक फ़ायदे और बताती हूँ अगर आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं तो मसालों के साथ ये लहसुन का अचार जो है एक चम्मच आप सब्ज़ी में डाल दें तो सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी सब्जी के स्वाद को दुगना बढ़ा देता है या फिर आप इसे ऐसे ही रोटियों के साथ खा सकते हैं ये ऐसे ही बहुत ही कमाल का लगता है तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज का ये लहसुन की अचार की रेसिपी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपके फैमिली फ्रेंड में किसी को भी लहसुन का अचार खाना पसंद हो तो आप उसे ये रेसिपी शेयर कर सकते हैं सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों मैं रोज़ाना आप लोग के लिए नए नए वीडियो डालने का कोशिश करती हूँ बिल्कुल अलग अंदाज में ताकि आप लोग को पसंद आए तो चलिए अब इस लहसन के अचार को हम जार में रख देंगे तो इस तरीके से एक छोटा सा जार हमने ले लिया है जार में जो है बिल्कुल भी पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए इसे मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लिया है जार काफ़ी अच्छे से सूख चुका है अगर इसमें पानी की मात्रा होगी तो अचार जो है ख़राब हो सकती है तो बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं होना चाहिए तो देख सकते हैं इसमें मैंने पूरे भर करके अचार को डाल दिया है अब इसे हम अच्छे से बंद कर लेंगे तो कोई भी एयर कंटेनर जार में आप अचार को डाल के अच्छे से बंद कर दीजिएगा ये सालों साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी तो फाइनली ये हमारा अचार बन के तैयार हो चुका है लेकिन इसे अभी हम नहीं खाएंगे इसे हम दो से तीन दिन तक इसी तरीके से जार में छोड़ देंगे दो से तीन दिन बाद जब ये लहसुन जो है सॉफ्ट हो जाएगी गल जाएगी तब तो इसे हम खाना शुरू करेंगे इतना बच चुका है इसे हम दूसरे जार में रख लेंगे तो फिर से